फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेरणा सिंदौरी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का मुरब्बा। उसके लिए हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आम, जिन्हें हमें पिल करके ग्रेट कर लिया है। पूरा सेट तक ग्रेट किया है हमने, पूरा पल्प निकाला है उसका। ये देखिए, इस तरीके से हमने ग्रेट करके प्लेट में रखा हुआ है। अब हम इसे पैन में लेकर शुगर मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने पैन में डाला है, विदाउट फ्लेम रखा है हमने। हमें इसे 15-20 मिनट शुगर के साथ मैरिनेट होने के लिए रखना है। जब तक कि शुगर पानी छोड़ नहीं देती, तब तक हमें इसे रखना है। उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे। तब तक हम फ्लेम ऑफ रखेंगे 15-20 मिनट्स के लिए। मिनिमम 15 मिनट्स आपको रखना है इसे, ताकि हमारा मुरब्बा अच्छा बने। ये देखिए, इस तरीके से हम प्रॉपर मिक्स करके इसे 15-20 मिनट्स के लिए रख देंगे। ये देखिए, पानी छोड़ने लगा है हमारी शुगर। अब देख सकते हैं पानी आ रहा है इसमें शुगर का, क्योंकि हमारे आम या केरी जो है वो खट्टी थी और शुगर उसमें मिक्स किया, तो वो पानी छोड़ रहे हैं। आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपकी केरी थोड़ी ज़्यादा खट्टी है तो आप उसके अकॉर्डिंग शुगर डाल सकते हैं। 15-20 मिनट्स हो गए, अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे। और ये देखिए, पानी ऑलमोस्ट छोड़ दिया है, बहुत पानी हो गया है, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने फ्लेम ऑन किया है तो वो हो जाएगा। मैंने अराउंड 1.5 कप ग्रेटेड केरी लिया था, उसमें मैंने 1 कप शुगर डाला है। और आप आपके स्वीटनेस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी आपको मीठा चाहिए। ये देखिए, इतना पानी है। अब ये सारा जब बॉईल होगा मुरब्बा हमारा, तब उस समय ये पूरा पानी चला जाएगा। हमें लो पर रखना है, लो टू मीडियम रखना है फ्लेम को, और अच्छे से मिक्स करके इसे उबाल आने तक हमें अच्छे से फेंटना है। लाइक 1 तार की चाशनी हमें बनानी है इसकी। जब हमें लगे कि ये हो चुका है, तब हम फिर इसे फ्लेम बंद करके बाकी का सामान डालेंगे हमारा। थोड़ी थोड़ी देर में इसे मिक्स करते रहिए, ताकि ये सरफेस पे चिपके ना, अदरवाइज़ मुरब्बे का टेस्ट बिगड़ सकता है। तो इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में सब चारों तरफ से चलाते रहेंगे। और फ्लेम को हमें लो पर ही रखना है। ये देखिए, बबल्स आने लगे हैं हमारे मुरब्बे में, पर अभी पानी में थोड़ा टाइम है। एटलीस्ट इसको पूरा बनने में 1/2 आवर तक लगता है, 1/2 to 40 मिनट्स लगते हैं। और इसे ठंडा करके हम जार में रख सकते हैं, 1 month to 2 month हम इसे फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ, लाइक आप एज अ जेम यूज़ कर सकते हैं इसे। पर ये अच्छा लगता है ठंडी के टाइम पर, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो इसलिए मैं जनरली इसे ठंड में बनाती हूँ। ये हम एक कड़क आम आता है, जिसे हम तोतापरी आम बोलते हैं, उसका भी आप बना सकते हैं। उसका बहुत टेस्टी लगता है ये। अदरवाइज़ आप थोड़ी मीठी केरी का भी बना सकते हैं, जो कि थोड़ी हार्ड हो। ये देखिए, 1 तार की चाशनी हमारी होनी चाहिए। देखिए, मैं इस तरीके से दोनों उंगलों के बीच में लेकर चेक कर रही हूँ कि कैसे हुआ है हमारा। ऑलमोस्ट गाढ़ा हो चुका है, ये सॉलिड हो चुका है, थोड़ा पानी उड़ चुका है इसका। अब हम इसे फ्लेम को बंद कर देंगे, और इसमें हम लोग कलर, इलायची पाउडर और ब्लैक पेपर, और अगर केसर डालना हो तो आप डाल सकते हैं। कलर और केसर ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो डालिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। कलर एक्चुअली प्रॉपर ऑरेंज कलर लेंगे हम लोग, तो अगर हम डालते हैं ऑरेंज कलर तो उसका प्रॉपर कलर है। जस्ट पिंच ऑफ कलर हम यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है हमें। बहुत यम्मी टेस्टी लग रहा है कलर डालने के बाद। और फिर हम डालेंगे इलायची पाउडर, अराउंड 1/2 स्पून ऑफ इलायची पाउडर मैंने डाला है इसमें। ये देखिए, 1/2 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर मैं डाल रही हूँ इसमें। पहले मैं थोड़ा डाल चुकी हूँ, इसलिए ओवरऑल 1/2 टीस्पून हुआ है ये।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून ऑफ काली मिर्च पाउडर और 5 to 6 पत्तियाँ डालूंगी मैं इसमें केसर की और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, बट केसर ठंड में अच्छी होती है इसलिए मैं अधिकतर स्वीट्स में डालती हूँ केसर। ये मैंने काली मिर्च डाला है 1/2 टीस्पून काली मिर्च, ब्लैक पेपर और ये काली मिर्च डाला है। ये देखिए अब बहुत टेस्टी मेरा मुरब्बा रेडी हो गया है। मैं अच्छे से मिक्स करके ठंडा होने के बाद इसे पैक करके जार में रख लूँगी। मैं अभी इसे सर्व कर रही हूँ एक बाउल में, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया है, बहुत यम्मी लग रहा है ये मेरा मुरब्बा। ये देखिए बहुत टेस्टी है, आप घर पे जल्दी से ट्राई करिए, आप खाइए, आपकी फैमिली को खिलाइए, फ्रेंड्स को खिलाइए। बहुत यम्मी टेस्टी मुरब्बा रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।